नमस्कार, मैं हूं अनुष्का अग्रवाल। जेएनआई न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस को देखते हुए दो गज की दूरी मास्क है जरूरी, जहां आपकी नजर वहां जेएनआई की खबर। बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर, आइए देखते हैं खबर विस्तार से। जनपद बहराइच में लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भीड़ का तांडव बुरी तरह से जारी है और इसी में भ्रष्टाचार भी कोरोना काल से भी अधिक भयावह रूप ले चुका है। बाजार खुली हुई है, पूछने पर बताया जा रहा है कि सुबह 6 से 11 बजे तक लॉकडाउन में छूट दी गई है, लेकिन ये छूट किसके द्वारा दी गई है ये कोई नहीं बता रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा इस तरह की कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, तो फिर ये किसके आदेश पर मार्केट खुल रही है? अगर देखा जाए तो बाजार में पुलिस या प्रशासन का एक भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। इसका कारण है कि कहीं ना कहीं पुलिस और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले व्यापारियों के बीच तालमेल जरूर दिख रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण सामानों में भारी तेजी। 10 रुपए वाली चीज 30 और 40 रुपए में बिक रही है। क्या ये काला बाजारी करने वालों और पुलिस प्रशासन के बीच तालमेल को इशारा नहीं कर रही है? अगर जल्द ही इन चीजों पर शासन प्रशासन ध्यान नहीं देता है तो जनपद खासकर शहर का इलाका कोरोना काल से भी भयंकर एवं भयावह रूप ले सकता है, और तब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आइए देखते हैं अब्दुल कादिर बहराइच ब्यूरो चीफ की एक खास रिपोर्ट। खड़े हैं एक व्यस्त इलाके के चौक घंटा घर पर। यहाँ आप देख सकते हैं कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन लॉकडाउन का कहीं भी 1% पालन करते हुए कोई नजर नहीं आ रहा है। खुलेआम प्रशासन द्वारा उसकी पीली भगत से यहाँ पर कोरोना काल की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यहाँ पर लोगों का पूछने पर पता चला कि सुबह 6 से 11 बजे तक मार्केट खोलने का आदेश है, लेकिन ये आदेश किसका है ये पता नहीं है, अभी तक कोई बताने को तैयार नहीं है। मेन चौराहा है, पीछे हमारे आप चौकी देख सकते हैं, उस चौकी पर केवल कुछ हमारे पीएससी के कर्मी हैं, लेकिन पुलिस कर्मी नहीं दिख रहे हैं, न प्रशासन का कोई एक भी व्यक्ति दिखाई दे रहा है। तो कोई यह कोरोना काल को दावत नहीं दे रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों ने बताया कि 6 से 11 दुकान खोलने का आदेश है, लेकिन ये आदेश सिर्फ और सिर्फ प्रशासन का, पुलिस का है। पुलिस द्वारा बराबर यहाँ दुकानें खुलवा करके और बाकायदा वसूली की जा रही है, खुलेआम वसूली हो रही है, और वसूली का मतलब ये है दुकानदार उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, हर सामान का पैसा बढ़ा हुआ है, कोई भी सामान आप खरीदने जाए दूने और तीन दूने दाम पर बिक रहा है। दो गज की दूरी मास्क जरूरी, जेएनआई इस मुहिम में आपको आगाह करता है कि आप मास्क जरूर पहने, दो गज की दूरी बनाए रखें, जिससे कोरोना काल से आपको बचत मिलेगी। इस समय हम खड़े हैं चौक बाजार के पूरी वाली गली के आसपास में, जहाँ पर ये देखा जा रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि 6 बजे से 11 बजे के बीच दुकान को खोलने का आदेश है, लेकिन ये आदेश किसका है ये नहीं मालूम, ये कोई बताने को तैयार नहीं है। ये जिला प्रशासन का है या प्रदेश सरकार का है? प्रदेश सरकार की कोई गाइडलाइन तो अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन अगर जिला प्रशासन कर ले तो क्या प्रदेश सरकार के ऊपर जिलाधिकारी हो जाएंगे? जबकि यहाँ पर पुलिस के नाम का या प्रशासन के नाम का एक भी बच्चा 11 बजे तक नहीं दिखाई देता है। 11 बजे के बाद पुलिस आकर के यहाँ पर आने वाले जो खरीदारों से वसूली करती है, दुकानदारों से वसूली करती है, खुलेआम वसूली करती है, 11 बजे के बाद वो लॉकडाउन लगाते हैं। जबकि सीधा सीधा आदेश है लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन 6 से 11 के बीच यहाँ का प्रशासन लॉकडाउन को हटा देता है, और हटाने का मकसद यही है कि सीधे लेन देन के बल पर ये दुकानें खोली गई हैं। जिस तरीके से आप हमारे पीछे भीड़ देख सकते हैं, अगल बगल भीड़ देख सकते हैं, इस तरीके की भीड़ क्या ये कोरोना काल को दावत नहीं दे रहा है? तो अगर जिलाधिकारी के आदेश पर ये प्रशासन खुलवा रहा है मार्केट, तो क्या प्रदेश सरकार के ऊपर जिलाधिकारी महोदय है? इस बात को बताने के लिए कोई भी प्रशासन का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी तैयार नहीं है। सिर्फ ये देख रहा है कि किस तरीके से कोरोना काल को ये दावत दे रहा है प्रशासन। बचाव मिल सकता है। इस समय हम जैसे बहराइच के मेन बाजार में चौक बाजार में खड़े हुए हैं, जहाँ से हमारे देख सकते हैं पूरी मार्केट खुली हुई है, भीड़ का ताडो चल रहा है, प्रशासन मौन है। यहाँ बताया जा रहा है सुबह 6 बजे से 11 बजे के बीच मार्केट खोलने का आदेश है, लेकिन ये किसका आदेश है ये कोई बताने को तैयार नहीं है। जिला प्रशासन का है या प्रदेश सरकार का है? अगर प्रदेश सरकार की कोई गाइडलाइन की जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन अगर जिला प्रशासन मार्केट को खुलवाने का आदेश कर रहा है, तो क्या वो प्रदेश सरकार के ऊपर है, क्या योगी सरकार के ऊपर है?
अधिकारी महोदय के आदेश पर अगर किसी मुझे मार्केट सेवा पर से सरकार के ऊपर है कि हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके का भीड़ का तांडव है, किस तरीके का भीड़ का तांडव, क्या ये कोरोना काल को दावत नहीं दे रहा है।